नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप हिमाचल के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हॉकी खिलाड़ी वरुण को 75 लाख रुपए देगी हिमाचल सरकार, सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक लाने वाली हॉकी टीम के सदस्य चंबा के खिलाड़ी वरुण कुमार को हिमाचल सरकार 75 लाख रुपए देगी। उन्होंने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि हॉकी टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके लिए पूरी टीम को उन्होंने बधाई भी दी। बता दें कि ट्रक ड्राइवर के बेटे वरुण कुमार भी टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बने हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वरुण हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी उपमंडल की ओसल पंचायत के रहने वाले हैं। खलंदर गांव निवासी वरुण कुमार का जन्म 25 जुलाई 1995 को हुआ था। हिमाचल में 4 और संक्रमितों की मौत, 256 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केसेस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से पांव पसारता जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। चंबा की 35 और कांगड़ा की 71 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं जिला शिमला के 40 वर्षीय और जिला ऊना के 49 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की भी मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के 256 नए मामले आए। चंबा जिले में 65, मंडी 54, हमीरपुर 38, कांगड़ा 34, शिमला 27, बिलासपुर 10, कुल्लू 14, सोलन 4, लाहौल स्पीति 4, किन्नौर 3, सिरमौर 2 और ऊना में 1 नया मामला सामने आया। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। कॉलेजेस में 16 अगस्त से लगेंगी कक्षाएं, माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस में 16 अगस्त से नियमित कक्षाएं लगेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए। सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को कॉलेजेस में विद्यार्थियों के आने पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी एसओपी का पालन करने और माइक्रो प्लान बनाने का पत्र जारी किया गया। शिक्षा निदेशक ने कहा कि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। राम सुभग सिंह बने नए मुख्य सचिव, अनिल खाची को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर दी नियुक्ति। वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उत्तर प्रदेश निवासी राम सुभग सिंह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए। वीरवार को निवर्तमान मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची के सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद जयराम सरकार ने राम सुभग सिंह की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इस्तीफे के लिए 3 माह के नोटिस पीरियड की अवधि को भी सरकार ने रिलैक्स कर दिया। खाची को सरकार ने प्रदेश का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया है। खालिस्तान समर्थकों ने फिर दी धमकी, मंडी के सेरी मंच पर तिरंगा फहराएंगे सीएम जयराम। खालिस्तान समर्थकों की धमकियों के बीच राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में आयोजित किया जाएगा। जयराम 15 अगस्त को सुबह 11 बजे मंडी के सेरी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उधर वीरवार को कई मीडिया कर्मियों को खालिस्तान समर्थकों के फोन आए। फोन पर सीएम को तिरंगा न फहराने की चेतावनी दी गई। कॉल के माध्यम से रिकॉर्ड संदेश में खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस गुट से जुड़े खुर पकवंत सिंह पन्नू ने सीएम को तिरंगा फहराने से रोकने वाले प्रत्येक व्यक्ति को $10,000 का इनाम देने का ऐलान किया। कुलदीप राठौर बोले, राजनीतिक दबाव में मुख्यमंत्री ने बदला मुख्य सचिव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्य सचिव अनिल खांची को समय से पहले उनके पद से हटाने के सरकार के निर्णय की आलोचना की। कहा कि ये निर्णय ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने वाला है, खांची का अपमान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया, कांग्रेस इसकी निंदा करती है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से काबिल और योग्य अधिकारियों को कम महत्व के पदों पर बैठाया जा रहा है। नौकरी का झांसा देकर युवक से ऑनलाइन ठगे, 3.80 लाख रुपए। इंदौर विधानसभा क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार इंदौरा के अंतर्गत गांव घेटा निवासी विशाल सिंह ने बताया कि उसने बहरीन से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और 4 महीने पहले उसे 8802437714 मोबाइल नंबर से कॉल आई कि अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं या लोकल होटल में सर्विस करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया नौकरी हम दे सकते हैं। इस पर उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे फोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन औपचारिकता के लिए 9660455600 पर ऑनलाइन 12,000 रुपए डालने को कहा। विशाल ने बताया कि उसने उन पर विश्वास कर खाते में पैसे डाल दिए और फिर उन्होंने मुझे बाद में मिलने को कहा और मिलने के लिए आनाकानी करते रहे। उनकी बहानेबाजी को देखकर जब उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो ये कहकर ब्लैकमेल करने लगे कि हमने आपकी अश्लील वीडियो बना ली है जिसे वायरल कर देंगे। शातिरों ने उसे खाते में और पैसे डालने के लिए दबाव बनाया, अन्यथा बदनाम करने की धमकी दी।
मुख्य सचिव अनिल खाची के बदले जाने पर सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र मुख्य सचिव अनिल खाची के बदले जाने का मुद्दा उठा। विपक्ष ने इस बात को लेकर खूब हंगामा किया और सदन से बाहर निकल आए। गैलरी तक आने के बाद विपक्षी सदस्य वापस सदन में चले गए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा सत्र के बीचों बीच मुख्य सचिव को बदले जाने की अटकलों पर विपक्ष ने सख्त एतराज जताया और सरकार से जानना चाहा कि आखिर ऐसे क्या हालात हुए कि मुख्य सचिव जिसके अभी 2 साल बचे हुए हैं को बदलने की जरूरत आन पड़ी। पेड़ की एक भी शाखा को बिना कानूनी अधिकार के काटा नहीं जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारियों द्वारा पेड़ों को काटने के लिए दी गई सभी वैध अनुमतियों पर लगी रोक हटा दी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने हालांकि निर्देश दिया कि कोई भी पेड़ और किसी भी पेड़ की एक भी शाखा को बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी भी परिस्थिति में नहीं काटा जाएगा। हिमाचल में 11 अगस्त तक मौसम खराब, शुक्रवार को भारी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा, शुक्रवार को प्रदेश में बारिश के आसार हैं। 11 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानून बनाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानून बनाएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सरकार इस योजना को कानूनी रूप देने पर विचार कर रही है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी इस योजना को विधेयक के रूप में विधानसभा में लाकर विपक्ष की सहमति से ही कानून बनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का तलब किया रिकॉर्ड। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से उन बच्चों का रिकॉर्ड तलब किया जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता में से एक को खो दिया या अनाथ हो गए। कोर्ट ने यह भी बताने का आदेश दिया कि ऐसे बच्चों की मदद या पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। बी फार्मेसी, बीबीए, बीसीए और एमटेक का काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया। 11 अगस्त से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि अभी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। 11 अगस्त से बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेद, बीबीए, बीसीए, बीएससी और एमटेक की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। आईटीआई में एडमिशन की जानकारी लेने गई युवती लापता। प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत कुछ दिनों पहले एक युवती संदिग्ध हालात में लापता हो गई। युवती घर से आईटीआई में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए अंब बाजार गई और उसके बाद घर वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि युवती छुट्टी वाले दिन घर से आईटीआई जाने के लिए कहकर गई थी। उसी शाम युवती के पिता के मोबाइल पर एक फोन आया और उस पर किसी युवक ने बताया कि युवती उसके पास है। अनियंत्रित होकर गिरी खड्ड में गिरा पिकअप वाहन, एक की मौके पर मौत। ठियोग उपमंडल के तहत सेंच से लगभग 2 किलोमीटर दूर माईपुल के समीप वीवार को एक पिकअप वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गिरी खड्डे में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 2 अन्य सवार घायल हो गए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।